मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सो हेलो गाइस, दिस इज एंड यू आर वाचिंग योर चैनल योर सब्जेक्ट टीचर। तो कैसे हो यार, आई होप कि सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस का आंसर। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का ये हमें शो करना है, फिर इसका इन्वर्स निकालें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, बहुत आसान है। बस प्लस माइनस करने में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है कि नहीं, इतना बड़ा जो हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, 6a² चाहिए, प्लस 9a माइनस 4a चाहिए। तो सबसे पहले ए क्यूब का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए क्यूब फाइंड करने से पहले ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर होता है क्या, ए इंटू ए, यानी कि इस ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ ही। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ ही, तो ये होगा 1-1 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का रोज को दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम के साथ। 2 2 4 प्लस -1 × -1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 हो गया, कॉलम 1 के साथ हो गया। कॉलम 2 पे आते हैं, 2 × -1 -2 प्लस -1 × 2 -2 प्लस 1 × -1 -1 2 × 1 2 प्लस -1 × -1 प्लस 1 1 × 2 2, ठीक है नहीं, 1 × 2 2 ये हो गया। रो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी रो 2 पे आते हैं, -1 × 2 -2 प्लस 2 × -1 -2 प्लस -1 × 1 -1 -1 × -1 प्लस 1 प्लस 2 2 4 -1 × -1 प्लस 1 -1 × 1 -1 2 × -1 -2 -1 × 2 -2 -2 सही है। हाँ, अभी रो 3 पे 1 × 2 2 -1 × -1 प्लस 1 2 × 1 2 फिर 1 × -1 -1 -1 × 2 -2 से माइनस करेंगे, 2 × -1 -2 ठीक है ना, -2 हो गया। फिर 1 × 1 1 -1 × -1 तो प्लस 1 2 2 4 हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना होगा, 4 + 1 + 1 6 -2 - 2 - 1 -5 2 + 1 + 2 5 -2 - 2 - 1 -5 1 + 4 + 1 6 -1 - 2 - 2 -5 2 + 1 + 2 5 -1 - 2 - 2 -5 1 + 1 + 4 ठीक है, 1 + 1 + 4 था, 1 × 1 -1 × 1 + 1 + 4 इतना होगा 5। तो ये रहा ए स्क्वायर का वैल्यू। तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये रहा। हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो ए क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर में अगर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए का क्यूब मिल जाएगा। तो ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ए स्क्वायर में। ए क्या है, 2 - 1 - 1 - 1 2 - 1 - 1 2 ये रहा ए, ठीक है ना। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा, 6 2 12। हाँ, रो 1 का कॉलम 1 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। 6 2 12 -5 × -1 +5 5 × 1 + 5 अभी 6 × -1 -6 -5 × -2 -10 5 × -1 -5 फिर 6 × 1 6 -5 × -1 +5 5 2 10 ये हो गया। फिर अभी -5 2 -10
सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फाइव, सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस फाइव, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम टू को, माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फाइव, फिर माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन हो गया। अभी रो थ्री को कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम इन दोनों को किए, फाइव टू जा टेन माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फाइव, फाइव इंटू वन प्लस फाइव, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव, अभी फाइव इंटू वन फाइव, माइनस फाइव इंटू माइनस वन तो प्लस फाइव, फाइव टू जा टेन, ठीक है ना। तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक का क्यूब मिल जाएगा। तो एक का क्यूब कितना होगा, ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस फाइव कितना होगा, पंद्रह दस बारह ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू सही है। माइनस सिक्स माइनस वन माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी वन सही है। सिक्स प्लस फाइव इलेवन, प्लस टेन ट्वेंटी वन, माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस फाइव मतलब माइनस ट्वेंटी वन, इधर फाइव फाइव टेन, टेन ट्वेल्व ट्वेंटी टू, इधर माइनस ट्वेंटी वन, यहाँ पे कितना होगा, फाइव फाइव टेन, फाइव फाइव टेन प्लस टेन ट्वेंटी, इधर इधर भी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी, और यहाँ पे प्लस ट्वेंटी, इतना होगा क्या, देखो भाई। वन प्लस वन प्लस फोर, वन प्लस वन प्लस फोर सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स होगा, यहाँ पे सिक्स, हम फाइव लिख देते सिक्स होगा। तो अभी देखो, हाँ हम के कहाँ पे कुछ गलत किए हैं, रो थ्री में, रो थ्री में लास्ट में सिक्स है, तो फाइव टू जा फाइव टू जा टेन माइनस फाइव सही है, और सिक्स वन जा यहाँ पे प्लस सिक्स होगा, यहाँ पे प्लस सिक्स, तो यहाँ पे होगा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन, फिर यहाँ पे होगा माइनस सिक्स, और यहाँ पे होगा प्लस ट्वेल्व, तो यहाँ पे माइनस ट्वेंटी वन, और यहाँ पे फाइव फाइव टेन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू, प्लस ट्वेंटी टू, यहाँ पे हम फाइव लिख दिया था, यहाँ पे लेकिन सिक्स वन, देखो वन वन प्लस फोर कितना सिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे फाइव लिख दिया था, इसलिए ये जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा गलत आ रहा था, अभी सही है। तो देखो हमें ए क्यूब का वैल्यू मिल चुका है कि नहीं, ए क्यूब का वैल्यू मिल गया। हमें और क्या क्या चाहिए, सिक्स ए स्क्वायर चाहिए, नाइन ए चाहिए और फोर आई चाहिए। तो ए क्यूब का वैल्यू मिल चुका है, ए स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है, हमें क्या चाहिए, सिक्स ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। सिक्स ए स्क्वायर यानी कि सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, तो हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर, सिक्स ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। सिक्स इंटू में ए स्क्वायर यानी कि सिक्स ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, इसमें बस सिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सिक्स को मल्टीप्लाई करो या फिर सिक्स को कॉमन ले जाओ, तो और देखो सिक्स और ए स्क्वायर क्या क्या है, सिक्स माइनस फाइव फाइव, माइनस फाइव सिक्स, माइनस फाइव सिक्स, माइनस फाइव फाइव, माइनस फाइव सिक्स, फाइव माइनस फाइव सिक्स, ये रहा ए स्क्वायर। तो सिक्स ए स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है, नाइन ए, नाइन ए का वैल्यू क्या होगा, नाइन ए का वैल्यू, नाइन ए का वैल्यू क्या होगा, बस ए में नाइन को मल्टीप्लाई कर दो, ए क्या है, टू माइनस वन, टू माइनस वन वन, माइनस वन टू माइनस वन, वन माइनस वन टू, वन माइनस वन टू, ये रहा नाइन इंटू ए, ठीक है ना, नाइन ए का वैल्यू। फिर आता है फोर आई, फोर आई यानी आई का मतलब क्या, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फोर को मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्या है, जिसमें वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, यानी कि वन जो है वो ऐसे डायगोनल के फोर में होंगे और बाकी सब में जीरो, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो फोर इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतना होगा, हो गया, ठीक है ना। तो अभी देखो हमें सबका वैल्यू मिल चुका है, तो हमें सौ क्या करना है कि ये जो एल एच एस इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स,
सो कर लेते हैं। सो कैसे करेंगे, जैसे हमें जैसे जैसे कहा है हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहले एक क्यूब का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22। ए क्यूब से माइनस करेंगे, 6a² 6a² क्या है, अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। 6a² 6 6 36, फिर 6 6 5 30, 30 माइनस 30, 36 माइनस 30, 30 माइनस 30 और 36। हम 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6a², सही है। फिर माइनस 6a² प्लस 9a, 9a, तो 9 को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 2 18, फिर 9 माइनस 1 माइनस 9, फिर प्लस 9, फिर माइनस 9, 9 2 18 माइनस 9, 9 माइनस 9 18, ठीक है ना। फिर माइनस 4i, माइनस 4i, अभी 4 और i को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, 400 0400004, ठीक है ना, ये रहा। और हमें इक्वल टू में क्या दिखाना है, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो दिखा लेते हैं, जीरो आएगा, डेफिनेटली आएगा, हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे, सही है। 22 माइनस 36, 22 माइनस 36 कितना होगा, माइनस 14, सही है। माइनस 21 से माइनस करेंगे, माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 30 माइनस 21, 9, सही है। फिर 21 माइनस 30 माइनस 9, सही है। माइनस 21 माइनस माइनस 30 तो 9 होगा। 22 माइनस 36 माइनस 14 होगा। माइनस 21 से माइनस करेंगे, माइनस 30 तो यहाँ पे 9 होगा। 21 से माइनस करेंगे 30 तो माइनस 9 होगा। माइनस 21 से माइनस करेंगे माइनस 30 तो 9, 22 से माइनस 36 तो माइनस 14। इन दोनों का माइनस इतना, इन दोनों का माइनस, फिर इन दोनों का माइनस कितना आ रहा है, 18 माइनस 4 14, माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9, 9 माइनस 0 9, माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9, 18 माइनस 4 14, माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9, 9 माइनस 0 9, माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9, 18 माइनस 4 14। अभी इन दोनों को सम, इन दोनों का ऐड कितना होगा, देखो माइनस 14 प्लस 14 0, 9 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 9, 9 माइनस 9 माइनस 14 प्लस 14, 9 माइनस 9, यानी कि इसका आंसर 0 0 0 आ रहा है, यानी कि इक्वल आ रहा है आर एच एस के साथ। आर एच एस में क्या है, 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स। तो हमारा जो एल एच एस है, हम ये एल एच एस को सॉल्व किए, इक्वल टू कर दिया आर एच एस के साथ, यानी कि ये हमारे इसके साथ इक्वल आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, ए का इन्वर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, डस्टर लेते हैं और हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर इसका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो करते हैं ए का क्यूब, ए क्यूब हम डायरेक्ट करते हैं, सही है। देखो हम आई वाला टर्म को एक साइड में लेंगे, आई वाला टर्म को, माइनस फोर आई को, अगर माइनस फोर आई को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा प्लस फोर आई, और इधर क्या बचा, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a, सही है, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी इस साइड भी, हम क्या करेंगे ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या होगा, देखो ए क्यूब में ए का इनवर्स मल्टीप्लाई, फिर 6a² में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, फिर 9a में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, और इधर 4i में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। तो अभी हम फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपको ये पता होगा कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इंटू आई इक्वल टू कितना होता है, a होता है, और a इनवर्स इंटू में आई होता है ए इनवर्स, अगर ये आपको पता है तो ये आप कर सकते हो सिंपल है। तो ए क्यूब यानी ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई किए हैं ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स होता है क्या है, आई होता है, ठीक है ना, आई होता है। फिर ए इंटू आई, तो इसका वैल्यू आई हो गया, फिर ए इंटू आई होता है क्या है, ए, तो इन दोनों का वैल्यू ए हो गया, और ए बचा,
ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस फिर सिक्स, फिर सिक्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स होता है क्या है, आई होता है, तो ए इंटू आई होता है क्या है, ए होता है, यानी कि इसका आंसर ए, सिंपल है। फिर प्लस नाइन ए इंटू ए इनवर्स आई, नाइन आई, और इधर फोर फोर आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स होता है क्या है, ए इनवर्स होता है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से ए इनवर्स को एक साइड, बाकी सबको एक साइड, यानी कि ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन आई, और इधर जो फोर है अगर इधर भेजेंगे तो डिवाइड में फोर हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये हो गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस सिंपल, यार कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन बड़ा है ना। ए स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर कहाँ है, ए स्क्वायर का वैल्यू ये था सिक्स माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव सिक्स, माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव सिक्स, ए स्क्वायर फिर माइनस सिक्स ए, सिक्स ए यानी इस ए में सिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, सिक्स टू जै ट्वेल्व, फिर माइनस सिक्स सिक्स, देखो इसमें ये ए है, इस ए में बस सिक्स सिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस सिक्स ट्वेल्व, माइनस सिक्स और सिक्स माइनस सिक्स ट्वेल्व, इतना हो गया। फिर प्लस नाइन आई, नाइन आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नाइन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नाइन जीरो 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 नाइन जीरो 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 नाइन, ये होगा, ठीक है नहीं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड में फोर कर लेंगे लास्ट में, सही है। तो सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस नाइन, माइनस सिक्स प्लस नाइन कितना होगा, थ्री होगा, थ्री होगा ना, माइनस फाइव माइनस माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स, माइनस फाइव प्लस सिक्स वन, तो ये वन, फाइव माइनस सिक्स फाइव से तो यहाँ पे माइनस वन, माइनस फाइव से माइनस करेंगे माइनस सिक्स तो यहाँ पे वन, सिक्स से माइनस करेंगे ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन, सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस नाइन थ्री, माइनस फाइव से माइनस करेंगे माइनस सिक्स तो वन होगा, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन, माइनस फाइव से माइनस करेंगे माइनस सिक्स तो वन, सिक्स माइनस ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस नाइन थ्री, और डिवाइड में क्या था, डिवाइड में फोर, तो ये रहा ए इनवर्स का वैल्यू, ठीक है नहीं, आंसर सही है या नहीं पहले चेकिंग कर लो, मैं भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ अपने कॉपी में ए इनवर्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ठीक है नहीं। अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं।